सीधे लिए चलते हैं राणे बेन्नूर। कर्नाटका में इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह का ये रोड शो जिसे बीजेपी अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। आपने बीजेपी अध्यक्ष को सुना, उनका दावा यह है कि वो पूर्ण बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये साफ कर चुकी है कि परिवर्तन की हवा इस समय बह रही है कर्नाटक में। कांग्रेस का दावा यह है कि सरकार उनकी बदलेगी, लेकिन सबकी नजर इस समय जेडीएस पर भी है कि जेडीएस अगर गठबंधन की आवश्यकता पड़ी तो जेडीएस किसका साथ देगा। केंद्रीय गृह मंत्री कई बार दौरा कर चुके हैं कर्नाटक का, बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दक्षिण का एक तरह से गढ़ बनाने का प्रयास कर्नाटक में, और फिर सरकार में फिर लौटकर आने की यह कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलीज कर चुके हैं, कई उनकी रैलीज का उनका प्लान भी है। ये गृहमंत्री की रैली समय हो रही है, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्थिति देख ली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। कभी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, विषैला सांप जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष, तो कभी उनका बेटा प्रियांक खड़गे वो प्रधानमंत्री को नालायक बोल रहे हैं।